एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में हम 12th स्टैंडर्ड की स्टडी करेंगे। इसमें JEE के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो टॉपिक पढ़ा जाना है वह वेक्टर है। और इसका सब टाइटल क्या है इसके लिए चल के देखते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज वेक्टर एलजेब्रा के अंतर्गत हम सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। और इनमें से हम ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने भेजी हैं कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं बने हैं। और इनमें से 12B का प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 12B। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट इट विल बी अ पैरेललोग्राम। मतलब हिंदी में अगर हम ABCD एक चतुर्भुज ले लेते हैं और उनके डायगोनल्स मतलब विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो फिर हमें प्रूफ करना है कि वह क्वाड्रिलेटर क्या होगा, निश्चित रूप में पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं P, ठीक है। और बस बहुत ही आसानी से हम इसको प्रूफ कर देंगे। हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है गिवन, क्या बोला जाए गिवन में, OP वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें हम सेक्शन फार्मूला यूज करें अगर तो क्या हो जाएगा, देखिए A का पोजीशन वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर, ये देखिए मिड पॉइंट के लिए OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर अपॉन कितना होता है 2। अगर मध्य बिंदु हो P तब फिर क्या करते हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर सम करके अपॉन में क्या करते हैं 2। ये किसके लिए है, ये फॉर AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन फॉर DV या BD, ठीक है। क्या होगा देखिए, यहां पर क्या बोल सकते हैं, P लाइन सेगमेंट DV का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब डायगोनल DV का क्या है, ये मिड पॉइंट है। मींस क्या हो जाएगा, वैसा ही फिर से लिखेंगे हम, OP वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बाय 2। बोथ आर OP वेक्टर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बोलिए, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाय 2 हियर, OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा बोलिए, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर, इंप्लाइज दैट कितना होगा बोलिए, इसमें से हम
क्या कर लें, OA को इस तरफ भेज दें और OD को यहां ले आए, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलिए, यहां पर अपने पास पहले से क्या है, OC वेक्टर और OD वेक्टर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस OD वेक्टर, और यहां पर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस कितना बोलिए, OA वेक्टर। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करें, देखिए क्या लिखा है, सी पहले लिखा है बाद में डी लिखा है, तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, CD वेक्टर। आपको पता होगा DC वेक्टर को कैसा ब्रेक करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये आ जाएगा। अब यहां पर कितना आया, पहले यहां आएगा ए और बाद में कितना आएगा बोलिए, बी। ये हम आसानी से देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम, देखिए ये क्या है, यहां पर DC वेक्टर, अच्छे से देखिए ये क्या है DC वेक्टर, ठीक है ये वाला, और ये क्या है AB वेक्टर, दोनों कैसे आए हैं, इक्वल आई हैं। इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पैरेलल भी हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी कैसी है, सेम है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यहां पर ऐसा कहा जा सकता है। ये देखिए इसमें अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट रियल में है ए और ये वाला है बी और ये वाला है सी और ये वाला क्या है डी। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना है डीसी वेक्टर, डीसी वेक्टर मतलब कौन सा वाला, ये वाला वेक्टर है, ठीक है, और AB वेक्टर मतलब कौन सा वाला है, ये वाला, दोनों कैसे देखें पैरेलल है ये और दोनों की लेंथ कितनी है, सेम टू सेम है, मींस क्या हो जाएगा, ये ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस हमको और कुछ भी नहीं करना है और इसके बाद इम्प्लाइज दैट लगा के लिख देना है कि जो क्वाड्रिलेटर ABCD इज क्या है, ये बोलिए पैरेललोग्राम, मतलब हिंदी वालों को समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। प्रूफ हुआ, देखो कितना आसान है, 3 मार्क्स से ज्यादा के लायक का नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन एग्जाम में सब आते रहते हैं, भले यहां पर हमें आसान लगते हैं, अगर हमने नहीं किया है तो फिर नहीं बनते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है इसी एक्सरसाइज का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, शो दैट AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 AD वेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है और उसके करस्पोंडेंस हमने ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, देखिए ABC एक ट्राइंगल है और अपने क्वेश्चन में कहा गया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, मतलब भुजा BC का मध्य बिंदु क्या बोलिए, D है। इसका मतलब समझते हैं, इसका हम 2 टाइप्स यूज कर सकते हैं, अगर हम बोलें तो कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि BD वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर, ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन में हमारे माइंड में क्या आना चाहिए रियल में, यहां पर इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर मिड पॉइंट की बात आई है तो हमारे एक कंप्यूटर के ऑप्शन में, मतलब माइंड के कंप्यूटर के ऑप्शन में क्या क्या ब्रांचेस निकलनी चाहिए, ये निकलनी चाहिए OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 2, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, इसके अलावा इसको और भी बढ़ा सकते हैं ऐसा करके 1/2 BC वेक्टर, ठीक है। तो चाहे तो हम इस बात का यूज करें, ये देखिए ये, और चाहे तो हम ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका यूज करें, यही वजह है कि हम इस क्वेश्चन को या बाकी क्वेश्चंस को भी मेथड चेंज कर करके कर सकते हैं, अगर हम इसका यूज करेंगे जहां पर हमें क्वेश्चन में जल्दी हो जाना है उस कंडीशन का हम यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में कुछ दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो आप अपने माइंड में क्या करिए, रफ में डायग्राम में
आंसर शीट में ये नोट जरूर करिए उसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, उसको आपको लिखना पड़ेगा और उसको लिख करके ही आप आगे सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इस वाली कंडीशन को सोच करके आगे क्वेश्चन बढ़ाते, क्यों, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है 2AD वेक्टर डायरेक्ट लिखा है, AD कैसा बीच में है, तो हम क्या करें टू ट्राइंगल चूज करें। ये देखिए एक ट्राइंगल हमको ये दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी AD मिलेगा और ये वाला ले तब भी AD मिलेगा, ठीक है। दो बार AD निकाल दें, दोनों को टोटल कर दें, आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। चलिए करके ही देखते हैं कितना आसान है, कहीं ना कहीं आप लोग बिगनर्स हैं, शुरू में सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कम की है, इस वजह से आपसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। फिर भी हम आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके बतला रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ये देखिए हमको क्या लेना है, AD चाहिए है। ये ट्रिक हमने आपको पहले बताई है कि वेक्टर में इस बात का ध्यान रखें, ये देखिए AD अपन फर्स्ट और लास्ट और बीच में फिर अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर इस तरफ का लेना तो B ले लेते हैं ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे ट्राइंगुलर रूल यूज कर देते हैं वेक्टर वाला, कितना आएगा बोली सदिश योग नियम त्रिभुजों का, AD वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, AB वेक्टर प्लस कितना होगा बोलिए BD वेक्टर, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, एंड इन ट्राइंगल इस तरफ वाला देखो इसमें भी हमको वैल्यू AD की ही चाहिए है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट और बीच में क्या बचता है C बचता है। अब लगा लो फिर से इसमें कितना आएगा बोलो, AD वेक्टर कितना आएगा बोलिए, AD वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए AC वेक्टर और प्लस DC वेक्टर, इक्वेशन नंबर टू। दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस टू A क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड को ऐड करने पर AD प्लस AD कितना हो जाएगा ट्वाइस AD वेक्टर। अब यहां पर कितना है बोलिए, ये है AB वेक्टर, ध्यान से देख के चलना यहां पर क्या क्या है, AB वेक्टर इसलिए AB वेक्टर लिखेंगे, क्या BD वेक्टर है, अभी तो सब लिखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप पर, बाद में इन सबको अपन चेंज कर लेंगे। प्लस सेकंड वाले में देखिए AC वेक्टर प्लस DC वेक्टर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रियल में हमारे क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जैसे इसमें AB देखिए AB और AC लाना है तो AB और AC तो अपने पास ये है, बचता क्या है ये BD और DC बचता है, तो ये BD DC दोनों में दिख रहा है हमको, तो अब BD DC में रिलेशन देख लो, ये BD और DC मिला आपको, ये देखिए मतलब हम क्या लिख सकते हैं BD को DC लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं BD लिख सकते हैं तो लिखना चाहिए हमें, ये देखिए ये आ जाएगा AB वेक्टर प्लस, अब BD वेक्टर को क्या लिख सकते हो DC वेक्टर हो गया प्लस AC वेक्टर। अब क्या देखते हैं यहाँ DC यहाँ CD है, पलटा दो उसको, पलटा करके CD वेक्टर को क्या बोल सकते हो माइनस DC वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, अब कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ये देख लो किसके इक्वल था ये ट्वाइस AD वेक्टर हो गया। ये प्रूफ क्या करना था यहां देख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, मतलब प्रूफ हो गया कितना आसान है, ये भी 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर आएगा तो 3 मार्क्स की कैटेगरी में है आएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम। अब देखें करने के बाद आपको महसूस करना चाहिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। होमवर्क में 12B के शेष क्वेश्चन जो है वो करके देखेंगे एग्जाम्पल सहित, बाकी क्वेश्चन और भी हम बता देंगे, बाकी प्रैक्टिस करके तब तक देखें। उम्मीद है मैथ्स की यह क्लास आप लोगों को बहुत ही यूजफुल थी और इसमें आपने मैथ्स के
फार्मूले, प्रॉब्लम्स देखें और अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। अगर आप चाहते हैं स्कोर 100 में 100 चाहिए, तो फिर तब तक रेस्ट नहीं लेना है जब तक आप एग्जाम फेस करके हॉल के बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो शुरू करें अभी से ही। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।